हेलो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं गोलघर की तरफ और आपको हम दिखाएंगे यहाँ से गोलघर का रास्ता। और चलिए, हम आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चलते हैं गोलघर लेके। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमको यहाँ से ही गोलघर दिखने लगा है और आप देख सकते हैं दूर से पटना का गोलघर कैसा दिखता है। तो चलिए पास से दिखते हैं। तो दोस्तों, हम फाइनली गोलघर पहुँच चुके हैं और आपको हम दिखाते हैं गोलघर का नज़ारा। तो चलिए, अभी हम गोलघर के पास हैं और चलते हैं गोल घर के अंदर और देखते हैं वहाँ का टिकट का क्या रेट है और लेके चलते हैं आपको गोल घर। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पटना गोल घर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अभी जो है कि गेट बंद है, आप देख सकते हैं। और गेट से बाहर जो है कि टिकट कटता है, उसके बाद जो है कि आप इसके अंदर जा सकते हैं। तो फाइनली अभी टाइम नहीं हुआ है, हम टाइम से पहले पहुंच चुके हैं और आपको अंदर का कुछ व्यू हम बाहर से ही दिखाते हैं। तो देखिए इस प्रकार का लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मैं अभी गोलघर आ चुका हूं और गोलघर का गेट जो है कि अभी बंद है, वह 10 बजे खुलता है और हम सब यहाँ 8 बजे आ चुके हैं। तो चलिए, हम वेट करते हैं 10 बजे का और फिर आपको हम लेके चलेंगे, क्योंकि 10 बजे के बाद यहाँ खुलता है गोलघर। तो 10 बजे आते हैं और फिर चलेंगे गोलघर की ओर। तो फ्रेंड्स, आपको बाहर से नज़ारा दिखाते हैं, कुछ इस प्रकार लग रहा है। फ्रेंड्स, अब अंदर जाने के बाद आपको पूरा दृश्य आपको यहाँ से दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम सब जा रहे हैं टिकट कटाने के लिए गोलघर का और टिकट कटाते हैं फिर अंदर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ टिकट कट रहा है और टिकट काउंटर है और हम यहाँ जाके टिकट कटाते हैं। मात्र 10 रुपया टिकट का प्राइस है। तो देखिए, यह है गोलघर और गोलघर में टिकट कट रहा है। तो चलिए, हम टिकट लेते हैं फिर अंदर की ओर चलेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं पटना गोलघर के अंदर और सामने का जो नज़ारा आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। और ये हमारे सामने जो है कि यह है गोलघर और आप देख सकते हैं इसका जो है कि नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। तो फाइनली हम पटना गोलघर के अंदर आ चुके हैं और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। आज हम आए हैं पटना का गोलघर और आज हम आपको दिखाते हैं पटना का गोलघर का नज़ारा कैसा है। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ का पार्क जो है काफ़ी सुंदर है। तो चलिए, हम आपको बैक कैमरे से यहाँ का पूरा दीदार कराते हैं और पूरा नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी सुंदर है और पार्क का आप नज़ारा देख सकते हैं कितना सुंदर है। अभी हम हैं पटना का गोलघर में और देख सकते हैं यहाँ का जो दृश्य है काफ़ी सुहाना है और मौसम जो है कि काफ़ी अच्छा हो चुका है, क्योंकि इससे पहले काफ़ी धूप और गर्मी भी थी। और अभी देखिए, यहाँ का मौसम काफ़ी नज़ारा है और आप उधर देख सकते हैं यह है गोलघर और हम आपको यहाँ का पूरा पार्क दिखाते हैं और काफ़ी सुंदर यहाँ का लगता है नज़ारा। तो चलिए, हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं यहाँ का सीन जो है काफ़ी सुंदर है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पटना का जो है कि गोलघर का पार्क जो है कि काफ़ी सुंदर है। तो आप देख सकते हैं आप यहां का जो है कि पार्क का नज़ारा कितना अद्भुत और कितना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहां का जो कि व्यू काफ़ी सुंदर है और इस पटना के गोलघर में आप यहां का आनंद ले सकते हैं। आगे आपको गोलघर नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सब यहाँ पर जो है कि तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम अभी हैं पटना के गोलघर में और आप देख सकते हैं यहाँ का जो नज़ारा है कितना सुंदर है और यहाँ पार्क जो है काफ़ी सुंदर है और हमारे पीछे यह है गोलघर। तो पटना में हम अभी गोलघर में हैं और यहाँ जो है पार्क में आप देख सकते हैं काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और देखने में यहाँ का जो दृश्य है काफ़ी सुंदर है। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं काफ़ी सुंदर सा जगह है और पार्क का नज़ारा काफ़ी अद्भुत और काफ़ी सुंदर है। तो चलिए, हम देख सकते हैं आपको यहाँ से नज़ारा।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पीछे यह है गोलघर और काफ़ी सुंदर है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और यहाँ का जो कि पार्क का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी सुंदर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ का जो है कि नज़ारा कितना सुंदर है और यहाँ की हरियाली जो है कि काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, और यहाँ पे बगल में झूला का भी आप सब आनंद ले सकते हैं।